सरिया थाना क्षेत्र में बीते 29 दिसंबर की देर शाम सिरसडीहा बकरवा नदी के पास लैपटॉप, मोबाइल एवं नगद छिनतई मामले में सरिया पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर एसडीपीओ नौशाद आलम ने सरिया थाना परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। इन्होंने बताया कि बगोदर के हिसला निवासी पंकज महतो से 30 दिसंबर को सरिया थाना में आवेदन प्राप्त हुआ था कि चिचाकी पंचायत अंतर्गत सिरसडीहा में 3 बदमाशों ने मोबाइल, लैपटॉप एवं नगद 2000 रुपए सहित कुल लगभग 60,000 रुपए की संपत्ति की छिनतई कर ली। क्यालोक में सरिया थाना में कांड दर्ज कर छानबीन शुरू की गई और टेक्निकल सेल एवं पुलिस तंत्र के माध्यम से कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को उनके किराए के रूम से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से लूट की मोबाइल एवं लैपटॉप बरामद की गई है। बताते चले कि कांड में शामिल एक और अपराधी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार दोनों अपराधी सरिया थाना क्षेत्र के औरवटार एवं मंदरामो निवासी बताए जा रहे हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में गिरिडीह भेज दिया गया है। वार्ता के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर डीके सिंह, थाना प्रभारी प्रेम कुमार और लव कुमार मौजूद थे। दिनांक 29/12/2021 को पंकज कुमार महतो द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि ग्राम सिरसडीहा के नज़दीक बकरवा नदी पुल के पास 3 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उनका मोबाइल और लैपटॉप वगैरह छीन लिया गया था। इस संदर्भ में सरिया थाना कांड संख्या 293/21 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही थी। मानवीय आसूचना एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर दो अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया एवं लूट की गई लैपटॉप और 2 मोबाइल उनसे बरामद की गई है। इसमें एक और अपराधकर्मी की संलिप्तता सामने आ रही है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। गिरफ्तार लोगों का और कहीं कोई लुटना पूर्व में भी अपराध कर्मी जो हैं वो पूर्व में भी सरिया थाना अंतर्गत चोरी के कांड में जेल गए हुए थे और 6-7 महीने पहले वो जेल से छूट के आए हैं। जो और भी अन्य चोरी की जो भी कांड हुआ उसमें अपनी संलिप्तता इन्होंने स्वीकार की है।